तो मिलिए भाई हमारे भाई लोगों से, जल्द बीच वाला शक्ल अच्छी दिखेगी तेरी। पहुंच चुके हैं साइकिल लेने, तरुण के लिए प्यारी सी साइकिल। चलो तो अब हम चल रही है साइकिल लेके, है ना, ले ली हमने साइकिल। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आ रहे हैं व्लॉग में। दगड़ियों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, और अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विसिंग कराने, क्योंकि गाड़ी बहुत चल चुकी है पहले गांव से देहरादून, देहरादून से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, फिर वहाँ घूमे, फिर वापसी। तो गाड़ी काफ़ी मतलब सर्विसिंग का टाइम भी हो गया है, और अभी फिलहाल मेरे साथ प्रियंका है, दीदी है, साथ में तरुण है, और ये जा रहे हैं अभी दीदी के फ्रेंड के पास। हमारी दीदी जी है एक, उनके उनके घर रुकेंगे। मेरे को 2-3 घंटे का काम है, 2-3 घंटे में सर्विसिंग करा के वापस आ जाऊँगा, तब तक ये उनके घर रहेंगे। तो वहाँ हमारी छोटी बहन है पीहू, छोटी बहन का नाम क्या है? अच्छा अच्छा, तो बस ये देखो, एक तो इसने इतना आतंक मचा रखा थकड़े पीछे, कान खा गया, यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाता मेरे कान पे। तो बस फिलहाल गाड़ी की सर्विसिंग करने जा रहे हैं हम, और इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग आज के ब्लॉग की शुरुआत, और देखते हैं कि जो आज का दिन किस तरीके से व्यतीत होता है। और ये है आपके सामने आज का मौसम, थोड़ा सा आज मौसम बदला हुआ है, हल्के से बादल लगे हुए हैं, उम्मीद ये है कि बारिश हो जाए, लेकिन उस बारिश से भी गर्मी में कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि उमस बढ़ जाती है यहाँ, और यहाँ सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। देहरादून के मुकाबले यहाँ इतनी भयंकर गर्मी है, देखो क्या बताएं, और गांव के मुकाबले तो कम से कम 2-3 गुना, गांव में तो ठंड है, यहाँ गर्मी है। और ये देखो, ये है हमारा टेप रिकॉर्डर, ये इसको, ये है मिस्टर क्वेश्चन, ये देखो, इसके इतने सवाल हैं, तो इसका नाम है मिस्टर क्वेश्चन सिंह, सवाल सिंह है इसका नाम, जो चीज दिखेगी इसको हर चीज पे इसको सवाल पूछना है, क्यों तरुण, है ना? बस अंग्रेज चले गए, इसी को छोड़ गए यहाँ। चलिए लेते हैं सफर का मजा, और मिलते हैं हम आपको सीधा चंडीगढ़ में। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं सेक्टर 32, और ये रहा सामने दी का घर। अब उतरिए भाई, अब मैं यहाँ जरा गाड़ी वो करके आता हूँ, सर्विस करके आता हूँ, तो ना उतर नहीं, मैं आते हुए आऊंगा ना बाद में, इसको जूते की पड़ी है अपने, बाय बाय, ठीक है, वो देखो, बाय बाय तनु, बाय बाय तनु, चल बाय बाय, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो दगड़े मैं चलता हूँ यहाँ से अब इंडस्ट्रियल एरिया, गाड़ी की सर्विस कराते हैं, और वहाँ जिससे सर्विस करानी है ना, वहाँ जो मैडम है, कंचन नाम है, इतनी बार फोन आ गया उनका, मतलब सुबह से उन्होंने कम से कम 50-60 फोन कर दिया होगा, सर आ रहे हो, सर आ रहे हो, सर आ रहे हो, पता नहीं क्या ही टारगेट का रोना होता उनका। चलिए फटाफट चलते हैं वहाँ, और करवाते हैं सर्विसिंग, 1:30 तो यहीं हो चुके हैं, चलते हैं अब कितना टाइम रहेगा देखते हैं। तो दगड़ियों ये पहुँच चुका हूँ मैं सर्विस सेंटर, ये है नवदेश ऑटो, और पिछले 5 मिनट से मैं फ़ोन कर रहा हूँ जो मोहतरमा है कंचन, अब फ़ोन उठा, उनका फ़ोन लग नहीं रहा, सुबह से उन्होंने मेरी जान खाई हुई है फ़ोन कर करके, सर आइए आइए आइए, गेट पहुँचोगे तो मुझे फ़ोन कर देना, और लग रहा है मुझे कि अब पता नहीं है ही कहाँ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनको, फ़ोन उनका लग नहीं रहा, अभी लंच टाइम भी है शायद उनका। तो ये हो गई है गाड़ी खड़ी, और इसकी हालत देखो आप, कितनी गंदी हो रही है, अभी थोड़ा आएंगे, वो चाबी तो ले लो, गाड़ी वगैरह चेक करेंगे क्या कुछ है गाड़ी में, क्या कुछ करवाना है, फिर सर्विस शुरू होगी इसकी, अभी लंच टाइम चल रहा है बोले इनका। ये देखो गाड़ी की हालत, और दगड़ियों भयंकर बारिश शुरू हो गई है, मौसम तो खराब हो ही रखा था, बारिश देखो कितनी भयंकर हो गई है शुरू। ये देखो आप, तो वो खड़ी है गेट के बाहर गाड़ी हमारी, बारिश देखो, पर गर्मी से कोई किसी प्रकार की राहत नहीं है अभी भी, और बाहर बारिश देखो दगड़ियों, बाप रे बहुत भयंकर। दगड़ियों 3 बजने वाले हैं, 2 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ, अभी तक गाड़ी ही अटेंड नहीं हुई, ये देखो इधर यहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस हो रही है, लेकिन मेरी बारी पता नहीं कब आएगी, दोबारा जाता हूँ एक बार बाहर, बोलता हूँ इनसे भाई जल्दी कर लो, 3 तो बज ही गए हैं। तो दगड़ियों काम तो आज हुआ नहीं, और ये पानी देखो कितना खड़ गया है, भयंकर पानी खड़ गया यार, ये तो शुक्र है मैंने अच्छी जगह पर लगाई थी जरा गाड़ी।
तो हुआ ये है कि इनका सिस्टम है डाउन आज, क्या ही किस्मत है। सुबह से ठीक चल रहा था, जैसे मैं आया सिस्टम डाउन था और एक दो घंटे तो मैंने वेट किया यहाँ, लेकिन सिस्टम हुआ नहीं ठीक। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको यहाँ से करते हैं हम फ्री। 3:15 का समय हो चुका है, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही टाइम वेस्ट होगा ना, आप ही खुद आइडिया लगाओ कि 3:30 हैं यहाँ, क्या ही बोलें आप। चलो चलते हैं 32 की ओर, जहाँ दीदी लोगों को छोड़ा था मैंने। और ये देखो आप पानी, इतनी सी बारिश तो चलो ठीक ठाक हुई है और पानी इतना खड़ गया है यहाँ पे, क्या ही बोले आप। हे भगवान, इतना पानी, चंडीगढ़ तालाब बन गया है दगड़ियों, सिर्फ एक घंटे के पानी में, एक घंटे के बारिश में सॉरी। हाँ चलो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है पानी पानी खड़ा हो गया यहाँ तो। देखो यहाँ तो तालाब वाली स्थिति होगी है, पूरी तालाब ही लग रहा है मुझे तो, इसको तैर के जाना है। सीरियसली भाई, ओहो ये देखो आप, सॉरी ये देखो आप, इधर इधर ये देखो दगड़ियो, हालात बहुत ही भयंकर वाले हालात बन गए हैं। ट्रैफिक भी जाम लग गया है, देखो बारिश आ रही है, साथ में धूप भी लग गई है। रोड की साइड पानी नहीं है, लेकिन इस साइड पूरा भरा पड़ा है। देखो किस तरीके से लोग एकदम जूते से पुल उतार के रोड क्रॉस कर रहे हैं, इधर भी वही हाल है। हो वो देखो, क्योंकि और इधर पार्किंग में देखो, पार्किंग में क्या पानी जमा हो रखा, क्या ही बोले। ये देखो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर, चल ले मेरे भाई आगे चल ले। ये देखो पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी है दगड़ियों, और निराश होके हम निकल पड़े हैं अब 32 की ओर। और अभी तो फिलहाल 32 जाऊंगा, थोड़ी देर वहां बैठेंगे, उसके बाद दीदी लोगों को घर ड्रॉप करूंगा और फिर होगा क्या बोलते हैं शाम को हमारे मित्र, एक तो अमित है जिससे आप परिचित होंगे, जिन जो हमारे साथ ट्रिप पे गया था, और साथ में एक और है हमारे डोगरा भाई जिनका नाम है नवीन डोगरा, तो उनसे मुलाकात का आज प्लान बना है। तो शाम को दीदी उनको ड्रॉप करने के बाद फिर उनसे मुलाकात होगी, तो आज का जो रात्रि भोजन है और शाम का जो समय है वो उन्हीं के साथ व्यतीत होगा। तो मौसम भी ठीक हो गया है, चलो बारिश वाला मौसम है, ठीक है जैसा भी है। चलिए पहले चलता हूँ वहाँ पर, दीदी लोगों से मिलता हूँ, थोड़ा आंटी लोगों से मिलूँगा, उसके बाद वहाँ से आना। हाँ हमारा तरुण है, तरुण का बर्थडे आ रहा है, जो मेरा भतीजा भाणजा है हमारा, उसका बर्थडे आ रहा है 1 तारीख को अगले महीने, तो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी देना है, क्योंकि मैं तो एक दो दिन में यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर राखी के लिए तो कल, राखी के लिए दीदी के लिए कल शॉपिंग कर ली थी मैंने, भतीजे के लिए गिफ्ट देना, उसको एक साइकिल लेके देनी है, तो अभी साइकिल भी खरीदनी है। तो चलो 32 पहुँचता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो दगड़े पहुंच गया हूँ मैं 32, चल तो चलो चलते हैं ऊपर। क्या हुआ गाड़ी सर्विस का? इसमें खराब, उनका सर्वर नहीं चल रहा था। अच्छा कोई निकल करवाना, इसके साइकिल लेना आधा पौना घंटा वहां लगेगा साइकिल ढूंढने में। तो अब समय आ गया है घर जाने का, चलो चलो आओ 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 आओ। मैं इसके लिए तरुण के लिए साइकिल लेनी है, वो लेंगे हम, वो लेंगे बी सेक्टर से। अच्छा साइकिल वाले पहुंच गए हम, चलो चलो पहुंच गए हैं साइकिल के वहां पे, तो हम पहुंच चुके हैं अब साइकिल में, साइकिल लेने के वहां पे। तरुण के लिए प्यारी सी साइकिल, एक तो हम रहते हैं, हम तो कितने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। ये वाली कार फाइनल हुई है, इस साइड से डाल दीजिए। ये हो गई है साइकिल पैक, बस ठीक है, धन्यवाद भैया। तो अब हम चल रही है साइकिल लेके, है ना, ले ली हमने साइकिल घर की ओर। ऐसा करना, ये लोग तुम ना आगे से
कैब में जाना हाँ? मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊंगा ना। अच्छा बाकी साइकिल देख कैसे रखी पीछे दीदी ने कैसे बैठी है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ी देर की है। तनु साइकिल आ गई, आपका बर्थडे गिफ्ट है। तनु का बर्थडे गिफ्ट है। तनु तो अब हम पहुंच चुके हैं 17 सेक्टर और यहाँ से अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो कार तो ये लेके जाएंगे और हम जा रहे हैं बस से। वैसे ये बोल रहे थे कि कैब भाई, मैंने कहा था इनको कैब बुक कर लो पर ये माने नहीं, बोला हम 80 रुपए में पहुंच जाएंगे। कैब वैसे 380 की 400 रुपए ले रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो हम 80 रुपए में पहुंच जाएंगे। तो दगड़ियों, प्रियंका दीदी तरुण को 17 ड्रॉप करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ धनास की ओर। वहाँ हमारे मित्र डोगरा जी हमें मिलेंगे, उनके घर में इस गाड़ी को खड़ी करके हम उनकी गाड़ी में घूमेंगे और खाएंगे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली नई गाड़ी ली है तो उसकी पार्टी तो बनती ही है। जो अमित है वो 2-3 बार पार्टी ले चुका है उनसे, लेकिन हम चंडीगढ़ में उपलब्ध नहीं थे तो हम पार्टी में सम्मिलित नहीं हो पाए। अब जो कि हम यहाँ पहुँचे हैं तो अभी हम जा रहे हैं उसके घर, उनसे मिलेंगे और फिर पार्टी पार्टी है ना। तो दगड़ियों, धनास पहुँच चुका हूँ और अब मिलाता हूँ आपसे अपने मित्र को। सबसे पहले मुबारक है हमारे बड़े भ्राता श्री को है। चलो कहाँ चले? वाह, गेड़ी गाड़ी की गेड़ी लेंगे हम। सबसे पहले तो गाड़ी की शुभकामनाएं। गाड़ी i20 कब लगवाया? हमने सोचा एक बार पुरानी मेमोरीज को ताजा कर लिया जाए। ये है हमारा 32 का मार्केट, बहुत ही बेहतरीन। चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हो आप, इतना बेहतरीन माहौल है यहाँ। और डोगरा जी तो आप जुड़े हैं, हम हैं कॉलेज के मित्र जिसकी जिनका इस मार्केट में बहुत पुरानी और अजीब अजीब यादें हैं। ये है 32। चलो तो दगड़ियों पहुंच गए हैं हम 40 सेक्टर। लॉक कर दूं? चलो तो अभी गाड़ी चला के हम आए हैं इनकी नई गाड़ी। चल भाई। अच्छा यहाँ जाना है चंडीगढ़? ये देखो चंडीगढ़ के नाम से ही खुला है कुछ, चंडीगढ़ जंक्शन। लेग पीस मंगाया था ये तो, ये तो नहीं है, दिल्ली से भी छोटी है। ये नहीं, म्याओ म्याओ। ये हम पहुंचे हुए अभी चंडीगढ़ जंक्शन में। खाना ठीक है नहीं यार यहाँ पे। हमने यहाँ मच्छी पकौड़े मंगाए वो नहीं, दूसरे मंगाए वो नहीं, अभी ये मंगाया है। अमित ले भाई, ये कौवा बिरयानी वाली बात होगी। चलो दोस्तों, तो दगड़ो बड़ा ही घटिया रहा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस। अब खाने की तलाश में हम यहाँ से जा रहे हैं सेक्टर 11। चलो देखते हैं क्या कुछ होता है। चलो जी, तो अब हम पहुँचे हैं सेक्टर 11 की मार्केट। हाँ नाना भी नहीं खोला मैंने। चलो आप 11 की मार्केट में पहुँचे हैं हम अब यहाँ भोजन करने। ये है अभी के ड्राइवर फिलहाल। तो दगड़ियों ये कुछ तबाही मचा रखी है हमने आज खाने में। और सामने चल रहा है मैच भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ हो गया है हमारा भरपेट खाना खत्म, भूख भी जरूर। तो दगड़ियों वापस 32 पहुँच गए हैं अमित सुनारिया को ड्रॉप करने यहाँ से। बाइक कहाँ खड़ी तेरी? अच्छा वहाँ पे सबसे सेफ जगह हाईवे पे। तो इसको ड्रॉप करके फिर डोगरा जी के साथ मैं जाऊँगा धनास और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी उठा के खरड़ चले। तेरा हो गया गियर तैयार? अभी तो चलना मुश्किल ही है। चलो ओके, एडिट मारेगा फिर तो। ना ना कोई नहीं, दिखा देंगे तेरी ये ऐसे आगे ना देख भोली सूरत। चल ठीक है ओके बाय बाय। तो दगड़ियों धनास पहुंच चुके हैं और ये डोगरा जी चले गए हैं अपने घर की ओर। और अब मेरा भी समय हो गया है घर जाने का। तो समय रात के 10:30 बज रहे हैं, बहुत समय हो गया है। बड़े दिनों बाद मिले आज, तो थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया। डोगरा जी की तरफ से पार्टी थी गाड़ी की, तो वही थोड़ा बहुत घूमे ज़्यादा खाया पिया कम। और अब
चलते हैं खरड़ा और वहीं मिलता हूँ सीधा आपको। साइकिल अभी भी इंतजार कर रही है, इसका मालिक घर में बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा साइकिल का कि कब आती है साइकिल। पहुँच गए हैं घर है। चल बेटा आगे तेरे साइकिल, चल चल इधर साइकिल के इंतजार में। उल्टा हो गया इसका हैंडल। चल हाँ सब खींच खींच खींच। हाँ मामा हाँ तेरी साइकिल आ गई मामा। दीदी इसको कैसे पता चला? इसको मैं बोला तनु तेरे मामा ये लेके। अच्छा देखना कैसी है तनु। हेलो जीजू। हेलो जीजू बड़ा क्या साइकिल है? ठीक है चल भाई बैठ। तो साइकिल बैठे बैठने का है? अच्छा हाथ सुन चलाएगा तू? फाड़ दे। हाँ फाड़ दे। आती है साइकिल चलानी? अरे बाप रे चमत्कार कर दिया तो पहाड़ी बुआरी ने पेडल मार मार के। आती है मुझे भाई, मैंने सीखी है साइकिल। अच्छा यस चलो मस्त साइकिल है। साइकिल तो अच्छी है तो सुधे और खातिर को ये हमारे तरुण का एडवांस बर्थडे गिफ्ट है। सही में आती है मुझे साइकिल कि मैं आपको वो कर दिया ना। क्या आपको मेरा तो कविता को फोटो भेज दियो। मैंने आपको बता दिया ना। क्या बताया भाई की साइकिल आती है देख लेना आपने। तो दगड़ियों घर पहुंच चुका हूं और तरुण को अपना गिफ्ट मिल गया है, काफ़ी खुश है वो। बर्थडे उसका अगले महीने 1 तारीख को है तो तब तक तो हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, मैं गांव चले जाऊंगा तो फिर गिफ्ट अभी एडवांस दे दिया उसको। बाकी आज का दिन ऐसा ही था, जिस काम के लिए घर से निकले थे वो काम हुआ नहीं है। कल या परसों फिर जाएंगे सर्विसिंग करने, अब नज़दीक ही जाएंगे अपने खरड़ के आसपास, देख लेंगे किसी मारुति शोरूम में। बाकी अपने मित्रों से मिलकर काफ़ी खुशी हुई और थक भी गया हूँ आज बहुत। चलिए वो ब्लॉग को इसी के साथ करता हूँ समाप्त। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत जय उत्तराखंड।